सो वेलकम ड्यूर स्टूडेंट्स एंड होप दट यूर प्रप्रेशन इज गोइंग ग्रेट सो टूडे वी विल डिस्कस द हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ अलेवंथ क्लास केमिस्ट्री जहाँ से आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे सो लेट्स विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है दट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड कार्बन डाऑक्साइड इट इलिस्ट्रेट इज द लॉ ऑफ तो डेफिनेटली ये जो आपका ला है दिस विल बी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्योंकि आपने पढ़ा है वैन टू अलीमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर देन टू कंपाउंड मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कम्बाइन इज विद फिक्स तो आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन तो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका मास कितना होगा ये आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं यू ऑलरेडी नो क्या आपके पास एवेगेडम्स होते हैं कार्बन के तो उसका मास होता है ट्वेल्व ग्राम तो अगर आपके पास है अब एक एटम ठीक है ना वन एटम तो उसका मास कितना होगा सिंपली आप निकाल सकते हैं यहाँ पे जो इसका मोलर मास है दैट्स ट्वेल्व अपॉन द एगेड रोल नंबर दैट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री है ना तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट वन पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री जो है ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी थ्री तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी दिस वन दैट्स वन पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम दैट्स ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दैट इज़ यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गेसेज कंटेनज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन में हो सकते हैं तो यहाँ पे इजी क्या है आप सिंपली निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स जब आप मोल्स निकालेंगे यहाँ पे तो आप इजीली बता सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे तो देख लो यहाँ पे आ, आपके पास है 16 ग्राम ऑफ O2 तो दैट मीन्स ये आपका है 0.5 पॉइंट मूल ऑफ O2 जब आप निकालेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे मूल्स में ना आपको ये आना चाहिए ये है फोर्टीन ग्राम ऑफ एन टू ट्वेंटी एट ग्राम मीन वन मोल तो सो so फोर्टीन ग्राम इट मीन जीरो पॉइंट फाइव मोल तो दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिकूल जो है वो सेम होंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर अब देखो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है दैट इज द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ देखो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपको क्यों क्योंकि आपको पता होता है दैट न्यूक्लियस जो है ठीक है उसका जो साइज़ होता है दैट रेज पावर माइनस फिफ्टीन मीटर पर यहां पे मीटर में ये नहीं दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया तो मीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर तो कैसे लिखेंगे टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन एक मीटर होता है हंड्रेड सेंटीमीटर दैट रेज पावर टू सेंटीमीटर सो बेस आर सैम पावर शुड भी एडेड तो माइनस थर्टीन सेंटीमीटर आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका दैट इज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है देखो आइसोटोप्स जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यू ऑलरेडी नो है ना जैसे प्रोटियम है आपका ड्यूटोरियम है आपका ट्राइटियम है आपका ठीक है तो इनकी क्या सैम हो सकती है तो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है यहाँ पर लिखा है डिफरेंट ये तो नहीं हो सकता है ना केमिकल प्रॉपर्टी सैम होती है फिजिकल डिफरेंट होती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार्स देखो आइसोबार्स में क्या होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा मास नंबर सेम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास नंबर थ्री फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फोर्टी फोर्टी दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल इज देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है ये थ्री स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है द रीजन इन विच देर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है आपका दैट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपलमेथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स दे आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है साइज बताता है एजुमेथल शेप ऑर्बिटल का बताता है ठीक है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट गिव्स द ऑरियंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एट रहेगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम देखो क्रोमियम हर एक को याद होना चाहिए क्रोमियम एंड कॉपर ये दिखाते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो क्रोमियम का क्या होता है इसका होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन है ना और कॉपर का होता है थ्री डी टेन फोर एस वन ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डी फाइव फोर एस वन एक ही ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल ए न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल वेन देखो एन प्लस एल रूल है सिंपल एन प्लस एल रूल आपने पढ़ा होगा इसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम होगा है ना मिनिमम एन प्लस एल वैल्यू मिनिमम होना चाहिए उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर अलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिसेबल देखो इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है नॉट परमिसेबल जो अलाउड नहीं है ठीक है विच इज़ नॉट परमिसेबल तो यहाँ पे देखो एन का वैल्यू फोर एल का थ्री एम का ज़ीरो ये तो पॉसिबल है ठीक है एन का फोर एल का टू ये भी हो सकता है ठीक है एम का वन ठीक है एन इज इक्वल फोर एल इज इक्वल फोर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा ठीक है जो पॉसिबल नहीं है विच इज़ नॉट पॉसिबल आपको बताना है क्योंकि देखो एन का वैल्यू अगर फोर है तो एल फोर नहीं हो सकता है एल का वैल्यू जो है इससे कम होना चाहिए एन से कम होना चाहिए ठीक है यू नो ऑलरेडी दैट एल का जो वैल्यू होता है कैसे हम निकालते हैं जीरो टू एन माइनस वन जीरो टू एन माइनस वन फार्मूला से हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा एल का कम होना चाहिए एन से तो ये पॉसिबल नहीं है सी ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी ये पॉसिबल है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टूवल्व है द एलिमेंट विद एटोमिकंबर ट्वेंटी सिक्स विल बी फाउंड इन द ग्रुप अगर आपको याद होगा आयरन है ये आयरन का एटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स होता है तो किस ग्रुप से ये बिलॉन्ग करता है ग्रुप नंबर आपको आना चाहिए ऑलरेडी आपने सीखा है ग्रुप नंबर निकालना ठीक है वन शॉट वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कैसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाला जाता है तो आयरन जो है इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा एट क्यों क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट विल बी थ्री डी सिक्स फोर एस टू तो ये इसके बैलेंशल इलेक्ट्रॉन्स है सो एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन छः है और एन एस में दो इलेक्ट्रॉन है सिक्स प्लस टू दैट्स एट ऐसे ग्रुप नंबर निकाला जाता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है आपका दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्योगेशन ऑफ एन एटम हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन इन देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको आप आयोनाइजेशन इन या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं ठीक है तो ये सबसे मिनिमम कहाँ पर होगा जहाँ पे ज़्यादा शल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो 1s2, 2s2, 2p मतलब इसमें दो शल है के एंड एल पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तीन शल्स है के बी है एल एंड एम ठीक है ना वन एस मतलब फर्स्ट शेल टू एस टू पी सेकेंड शल थ्री एस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होगा इसके लिए मिनिमम आयोनाइजेशन एंथल पर आपको लगेगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा द आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज देखो कैटायन जो होता है आपका कोई भी एलिमेंट एटम जो है अगर वो कैटायन है तो उसका साइज कम होता है किससे नॉर्मल एटम से और इससे बड़ा साइज़ होता है एनायन का ठीक है तो कैटायन का साइज़ जो है इट विल बी लेस देन द दे एटॉमिक रेडियस तो ए इसका क्रट करेक्ट ऑप्शन होगा ए राइट right. उसके बाद फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर है दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी तो ये तो हर एक को याद होता है क्लोरीन जो है हेलोजन का सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी होता है और हेलोजन में से सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है ये एक्सेप्शन है हमने पढ़ा है वन शॉट वीडियोज में भी है ना आप देख सकते हैं वहां से देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियडिक टेबल में कौन सा होता है ये तो हर एक को पता है फ्लोरिन है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे फोर होती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रहेगा ये क्वेश्चन number 15 सेवेंटीन पे आ जाते हैं दैट्स इन ए ग्रुप ऑफ़ पीरियडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनथेलपी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज है ना ये तो पता है आपको दैट आयोनाइजेशन इन्थेलपी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्यों होता है ऐसा क्योंकि नंबर ऑफ शल्स इंक्रीज होते हैं मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अब देखो स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग इसमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा तो देख लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ट्रेवल एंड पॉजिटिव डावल एंड पॉजिटिव इस पे ट्रेवल एंड पॉजिटिव जितनी पॉजिटिव चार्ज किसी पे होगी उसका उतना साइज स्मॉल होगा तो इसका होगा सिलिकॉन टेट्रावलेंट पॉजिटिव इसका स्मॉलेस्ट साइज होगा ठीक है स्मॉलेस्ट आयन यही होगा इन चार में से विच वन ऑफ देम इज वीकेस्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है उसके बाद देखो वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा आयोनिक कोवल एंड मेटेलिक तो डेफिनेटली वंडरवॉल आपका वीक होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है है ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ जाते हैं दैट इज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखो बेंजीन हर एक ने देखा है राइट right? दैट सी सिक्स एट सिक्स इसमें क्या होते हैं तीन पाई पाएबाउंड होते हैं तो आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई पाएबॉन्ड्स देखो यहाँ पे भी तीन पाई बॉन्ड है यहाँ पे भी तीन पाई पाएबाउंड बाकी आप एलिमिनेट uh, कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है अब देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे तो यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ क्या होता है एक एक हाइड्रोजन होता है तो जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे सभी uh, सिग्मा बॉन्ड्स तो वो ट्वेल्व आ जाएंगे ठीक है तो दैट मीन्स यहाँ पे थ्री पाई बॉन्ड्स हैं एंड देयर आर ट्वेल्व सिग्मा बॉन्ड्स तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आ जाते हैं दैट्स स्विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस हैज़ अ डायपोल मोमेंट मोर देन जीरो देखो यहाँ पे इसको याद रखेंगे मोर देन जीरो पूछा गया वाटर है मीथ है ट मीथ कैसा होता है सिमेट्रिकल है ना टेट्राहेड्रल है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है तो डायपोल मोमेंट जो है जीरो होगा ठीक है नाइट्रोजन जो है दैट्स आल्सो लीनियर तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो तो वाटर ही है जिसका मोर देन जीरो होगा क्योंकि वाटर का डायपोल मोमेंट है वाटर जो है पोलर है क्योंकि यहाँ पे शेप इसकी होती है ना आपने पढ़ा ही नेक्स्ट पे आ जाते हैं द आई विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोक्साइड देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है एट ऑक्सीजन में एंड सिक्स कार्बन के अंदर एट एंड सिक्स दैट्स इस फोर्टीन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी एंड निगेटिव में भी फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है कैसे कार्बन के अंदर छः है नाइट्रोजन के अंदर सेवन इलेक्ट्रॉन और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गैन किया है तो ये भी आ जाएगा फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सो ये है करेक्ट ऑप्शन बाकी आप चेक कर सकते हैं इनमें फोर्टीन इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे या तो ज़्यादा आ जाएंगे या तो कम उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है या हम कहाँ से निकालते हैं मोलिकलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी है दैट्स वन हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ई ठीक है तो जब आप निकालेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या आपको याद रखना है दैट जो ये ओह टू मॉलिक्यूल होता है इसमें जो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर होते हैं ठीक है जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंटी बॉन्डिंग से जैसे यहाँ पे प्लस है ओ टू पॉजिटिव ओ टू डावलेंट पॉजिटिव मतलब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो कहाँ से आप निकालेंगे एंटी बॉन्डिंग से जब एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी यह ओ टू नेगेटिव ठीक है उसके बाद O2 positive and O2 positive. तो इसका ज़्यादा है यह आप निकाल सकते हैं टी शेप विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल टी शेप टी शेप किसकी होगी तो ये आपने पढ़ा है विस्पर थ्योरी में है ना वन शॉट वीडियोज में भी हमने ये देखा है दैट इज सी एल एफ थ्री है ना इसकी टी शेप होती है तो यह आप आ, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी फाइव है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू मॉलिक्यूल्स है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर देखो बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे सेम होगा Uh, जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन N2 इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है ओफ टू डावलेंट पॉजिटिव इस, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 25 का वो ए होगा ठीक है नेक्स्ट है 26 सिक्स दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्मन मोर इजिल बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपेरेटिवली देखो आयोनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तब आपके पास क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगनी चाहिए लो है ना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या जिसको आप इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी कहते हैं वो ज्यादा होनी चाहिए तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ही बाकी सभी गलत है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दैट इज अ वेल फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स दिस इज एन एग्जाम्पल है ऑफ राइट right? देखो थर्मोडाइनमिक्स से पूछा गया है कौन सा सिस्टम होगा जब भी फ्लास्क है हमने देखा वहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम होगा ये ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता है डेल्टा एच जो है इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना तो डेल्टा एन जी हम कैसे निकालते हैं ये हम निकालते हैं एन पी माइनस एन आर देट इज़ नंबर ऑफ गेशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गेसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो गेशियस मोल्स यहाँ पे प्रोडक्ट के वन है रिएक्टेंट भी वन है क्योंकि ये आपका सॉलिड है, है ना तो दैट मीन्स एन पी भी वन है और एन आर भी वन है वन माइनस वन दैट जीरो तो जीरो इंटू आर इन टू ये पूरा जीरो बन जाएगा तो दैट मीन्स डेल्टा एच विल भी इक्वल टू डेल्टा यू सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप नो no डाउन करेंगे याद रखेंगे इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ये भी थर्मोडाइनमिक्स है दैट इज फॉर एन आइडियल गे सी वी एंड सी पी दे आर रिलेटेड एज है ना सी पी सी वी रिलेशनशिप ये हमने पढ़ा है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर यहाँ पे आर ही दिया गया है ठीक है वन मोल के लिए तो इसका डी

गिब्स फ्री एनर्जी जो है चेंज स्टैंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इट्स ऑलवेज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ केसी सी है ना अब यहाँ पे ऐसे दिया गया है दैट्स माइनस डेल जी नॉट तो ये इसका करेक्ट होगा ऐसे भी हम लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं राइट अब देखो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बीस आपको बताना है थर्टी टू रहेगा आपको कंजुगेट बेस बताना है स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग कंजुगेट बेस उसी का होगा जो वीक एसिड होगा अगर आपके पास वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो देख लो इसका एसिड कौन सा होगा ये है NO3 नेगेटिव है ये यहाँ पे NO3 नेगेटिव तो इसका एसिड है नाइट्रिक एसिड वो तो स्ट्रॉग है इसका एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका एसिड जो है एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसी का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इज़ ये है आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस क्योंकि इसका जो एसिड है वो वीक है ऐसे याद रखेंगे जो वीक एसिड होता है उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका वीक कंजुगेट बेस होगा इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप आ, याद रखेंगे ठीक है उसके बाद जो है दैट इज यूर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ बफर देखो बफर इनमें से कौन सा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एच एन टू जो है वीक एसिड है नाइट्रस एसिड और ये इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये आपका बफर होगा हमने ये पढ़ा है बफर्स एसिडिक बेसिक बफर है ना सिंपल बफर वन शॉट वीडियो में वहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज़ लिचेड लायर्स प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू फिजिकल इक्विलिब्रियम होमोजेनियस टेजीनियस ऑल सिस्टम देखो जो ये है लिचेड लायर्स प्रिंसिपल इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम चाहे फिजिकल हो केमिकल हो ठीक है हर जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दैट्स वैन अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोलूशन द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूसड है ना इट इज ड्यू टू तो ये तो ऑलरेडी पढ़ा है अपने कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है देखो यहाँ से कौन सा कॉमन आयन मिलेगा आपको दैट इज अमोनियम आयन एन एच फोर पॉजिटिव ये आयन जो है कॉमन आयन है यहाँ पे और कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे होगा उसी की वजह से जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन कम उसका डिसोसिएशन जो है वो स्प्रेस हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ये आपने पढ़ा है नेक्स्ट जो है इज़ फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन है ना हैबर्स प्रोसेस है आप देखना है यहाँ पे दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कब ऐसा होगा देखो यहाँ पे हीट रिलीज़ uh, हो रहा है तो दैट मीन्स एक्जोथर्मिक रिएक्शन अगर एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर uh, कम होना चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये शिफ्ट हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब देखो इंक्रीजिंग प्रेशर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो तब क्या होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ गेशियस मोल्स जो है वो कम होने चाहिए गेशियस मोल्स कम होने चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका रिएक्टन साइड है फोर है यहाँ पे गेशियस मोल्स और यहाँ पे दो है तो दैट मीन्स आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये लिचर्ड लायर्स प्रिंसिपल से ही लिया गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स थर्टी सेवन इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्ट कन्सेप्ट देखो ब्रॉन्स्ट कन्सेप्ट सिंपली क्या बताता है एसिड वो होता है जो प्रोटान डोनर होगा और जो प्रोटान एक्सेप्ट करेगा वो होता है ब्रॉन्स्ट ब्राउनस्टेड um, बेस आपको बेस ही बताना था तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का देखो इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो है कार्बन मोनोक्साइड है यहाँ पे लीगेंड और ये न्यूट्रल होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका जीरो होगा ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिटेल में पढ़ा है वन शॉट वीडियो वो आप देख लेना वहाँ से क्लियर हो जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एरोडॉक्स रिएक्शन देखो ये क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है क्योंकि आप देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन आपको बताना है कि कौन सी नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन नॉट इसको अंडरलाइन करेंगे इज नॉट एरोडॉक्स रिएक्शन तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए बताओ क्यों देखो कार्बन जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का यहाँ पे भी प्लस टू है ठीक है कार्बन का यहाँ पे प्लस फोर ऑक्सीजन का यहाँ पे माइनस टू होगा यहाँ पे भी सेम कैल्शियम का प्लस टू ऑक्सीजन का माइनस टू कार्बन का प्लस फोर तो दैट मीनस यहाँ पे यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है किसी एलिमेंट का तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती है ठीक है इसका यही होगा करेक्ट ऑप्शन बाकी बी सी डी ये सभी है रेडॉक्स रिएक्शन ये आप देख सकते हैं आप ये निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है और यहाँ पे आप देखेंगे दैट एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और दूसरे का डिक्रीज होगा तभी ये रेडॉक्स रिएक्शन है राइट right? अब देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रोमीन की क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है आप देख सकते हैं ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जीरो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट

क्वेश्चन नंबर फोटी वन कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दी गई है अब आपको यहाँ पे बताना है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट देखो जिंक की क्या हो रहा है जिंक गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक टू पॉजिटिव मतलब जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन सो जिंक इज ऑक्सीडाइजेड तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिडक्शन नेवर इन्वॉल्वस देखो इस बात को समझेंगे यहाँ पे रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व्स मतलब आपको बताना है जो गलत है गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आपको बताना है रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व है ना रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फोर मिथाइल पैन टू इन वन ऑल तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सी है ना सी इट इज़ जस्ट लाइक दिस यहाँ पे ये सी एच थ्री है उसके बाद सी एच इसके साथ एक और सी एच थ्री है जो एक्चुअली कंडेंसड फॉर्म है यहाँ पे लिखा गया है उसके बाद है ये सी एच उसके बाद डबल बॉन्ड सी एच उसके बाद सी एच टू एंड ओ एच ठीक है अब देखो यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे वन है ना टू फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लवेस्ट नंबर ठीक है उसके बाद फोर एंड फाइव तो ये आपका है फोर मिथाइल पेन टू इन वन ऑल राइट right. सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसके बाद 44 है द एडिशन ऑफ कार्बनइल कंपाउंड द एडिशन ऑफ कार्बनाइल कंपाउंड टू एच सी एन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बनायल कंपाउंड जैसे ये है कीटोन है आपके पास अगर इसको हम एच सी एन एड करेंगे सी एन नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा उसके बाद एच पॉजिटिव जो है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ठीक है तो ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट तो ये था फोर्टी फोर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दैट्स यूअर फोर्टी फाइव दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिस्ट ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय देखो एफ़ नेगेटिव जो आपका है ये सबसे आ, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दिखाया गया एफ नेगेटिव जो है सबसे वीक है ना सबसे स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियोफाइल वो आपका होगा सी एच थ्री नेगेटिव ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसका बी होगा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट जो है दैट इज एमिसिबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन और क्लोरोफॉर्म अगर आपके पास बेंजीन और क्लोरोफॉर्म है इनको सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे सो इट इज डेफिनेटली डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इसके टाइप्स ठीक है देख लेना आप उसके बाद ड्यूरिंग ड्यूरिंगज टेस्ट फॉर सेट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज एंड देखो इस टेस्ट में क्या होता है जो आपका सल्फर है वो कन्वर्ट होता है इंटू सोडियम सल्फाइड यहाँ पे भी दिया गया है यहां पर भी और नाइट्रोजन जो है सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट होता है ना आयोनिक कंपाउंड है तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैन एस्टाइलिन इज ट्रीटेड विद एच देखो एस्टाइलिन दैट इज यूअर जस्ट सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच जब इसको आप एच के साथ क्या करेंगे एड तो कौन सी रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन होगी एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो और एक कार्बन को हम दे देंगे बी आर पर रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी ठीक है इथाइलिन ब्रोमाइड जो यहाँ ये यह बना ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है फर्दर इसके साथ एच बी आर एड होगा क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे पाई बॉन्ड है अब देखो यहाँ पे एम के रूल अप्लाई होगा हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिच तो, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री उसके बाद सी एच और यहाँ पे बी आर और यहाँ पे दूसरा बी आर भी इसी के साथ अटैच होगा तो इसको कहा जाता है इथाइलिडीन ब्रोमाइड ये है डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा 48 था ये आपका उसके बाद है 49 क्वेश्चन नंबर 49 नाइन दैट इज डाहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ़ ईथेन देखो ईथेन के कन्फर्मर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे तो जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म uh, होता है डाहीड्रल एंगल वहाँ पे 60 डिग्री होता है और जो आपका इक्लिप्सिड होगा इक्लिप्सिड फॉर्म वहाँ पे डाइड्रल एंगल होता है जीरो डिग्री अरे जीरो डिग्री ठीक है ना इसको याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ बॉन्ड लेंथ ऑफ ईथेन ईथीन एसिटाइलिन बेंजीन फॉलोज ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो यू ऑलरेडी नो जब ईथेन होगा तो कहाँ वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ईथीन में डबल बॉन्ड होगा एसटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होगा बेंजीन में तो यू ऑलरेडी नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं पर यहाँ पर रिजोनेंस होता है अब देखो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लैंग सबसे ज़्यादा होती है तो मतलब ईथेन जो है फर्स्ट जो है इसकी बॉन्ड लेंगत सबसे ज़्यादा तो ये तो तीन ऑप्शंस में है ए बी एंड सी अब देखो जो आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड सबसे कम तो थ्री यहाँ पे तो दैट मीनस यहाँ या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है ठीक है अब इम्पॉर्टेंट ये है आपका इथीन है और आपका बेंजीन है बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंगे होती है वो वहाँ पे क्या होती है बॉन्ड लेंगथ जो है वो ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है अगर ये 134 थर्टी पिकोमीटर है अब देखो बेंजीन के अंदर होता है 138 थर्टी पिकोमीटर मतलब ज़्यादा है ना बॉन्ड लेंगथ तो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी सी 50 जो आपका है इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंगे थे वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस ईथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब देखो विजय द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जब आप बेंजीन को सल्फोनेशन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है एसओ सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको याद रखेंगे है ना जैसे आपने पढ़ा हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल एस सी पॉजिटिव ब्रोमिनेशन में बी पॉजिटिव है ना नाइट्रेशन में जो है दैट इज नाइट्रोनियम आयन ओ पॉजिटिव

नहीं होगा जीरो होगा है ना वन फोर डायक्लोरो जो है इसका जीरो होगा अब दूसरा जो है वन टू डाइक्लोर इसका होगा डेफिनेटली ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ट्रांस में कैंसिल होगा ट्रांस हाँ देखो वन टू डाइक्लोरो का मतलब ये है कि ये आपके पास बेंजीन है वन टू पोजिशन दैट इज यू ऑर्थो और पोजिशन यहाँ पर दो क्लोरीन है तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट पूरा कैंसिल नहीं होगा तो इसका डायपोल मोमेंट होगा 52 है ये आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट uh, जो है दैट्स फिफ्टी थ्री दैट इस विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखो सिस ट्रांस आइसोमेरिजम कौन इनमें से दिखा सकता है तो इसका होगा बिट जो लिखा गया यहां two, uh, butine, actually, है यहाँ पे टू ब्यूटीन एक्चुअली ये ओल्ड सिस्टम है इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है बिट टू इन है ना ये करेक्ट है आई पी सी नैम तो बिट टू इन जो है इट इज़ जस्ट लाइक दिस बिट टू इन ये इसका हम दिखा सकते हैं दिस वन इज़ यूअर ट्रांस है ना सी एच थ्री एंड सी एच थ्री अपोजिट है अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो ये आपका ट्रांस होगा इसका सिस होगा जब आ, दो हाइड्रोजन एटम्स सेम साइड होंगे और टू मिथाइल जो है दे आर ऑन द सेम साइड ठीक है ये दिखा सकता है नेक्स्ट जो है 54 जो है बेंजीन रिएक्ट्स विद सी एच थ्री सी एल ये कौन सी रिएक्शन है दिस इज योर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है तो यहाँ पे क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा नो no, यहाँ पे बनेगा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आपका सी एच थ्री जिसको आप कहते हैं मिथाइल बेंजीन पर मिथाइल बेंजीन हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पे दिया गया है टॉलिन तो टोलिन इसको कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फिफ्टी फाइव है वट हैपन्स अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन इज पासड इज़ पासड ओवर हीटेड लिनलार्स कैटलिस्ट है ना इंपॉर्टेंट रहेगा देखो ये है आपके पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसको आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेंड लार्स केटलिस्ट तो यहाँ पे अल्किन बनता है इसको हम रिएक्शन को स्टॉप करवाते हैं अल्किन स्टेज पे है ना लिनल और कैटलिस्ट का यूज़ करके तो इथाइलिन वाटर तो यहाँ पे नहीं बनता है इथाइलिन ही बनेगा बस सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अब देखो 56 है आपके पास विच ब्रांचेड चैन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिकुलर मास 72 टू यू गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सबस्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको नोट no डाउन करेंगे तो ये आपका होगा नियो पेंटाइन देखो नियो पेंटाइन कैसे होता है इट इज़ जस्ट लाइक दिस सी एच थ्री उसके बाद सी सी एच थ्री यहाँ पर भी सी एच थ्री है ना आपने पढ़ा है एन आई सू एंड नियो तो ये आपका है नियो पेंटाइन ठीक है जब इसका आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे देखो कार्बन इसमें है वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव कार्बन का मास टूवेल्व होता है दैट इज़ ट्व फाइव आर सिक्सटी और हाइड्रोजन यहाँ पे है ट्वेल्व तो एक का मास वन होता है सो दैट सेवेंटी टू इसका आ जाएगा है ना इसका मोलर मास और यही आपका देगा एक ही मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हेलॉड क्यों क्योंकि यहाँ पे सभी जो कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सेम है प्राइमरी है ठीक है ना ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे है यहाँ पे भी प्राइमरी तो ये बस एक ही मोनो सब्सटिट्यूटेड अल्काइल हेल्ड देगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा फिफ्टी है, है ये उसके बाद फिफ्टी सेवन पे आ जाते हैं दैट एन ऑलिफिन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिस देखो इंपॉर्टेंट रहेगा गिव्स ओनली इथेनल इथेनल ही यहाँ पे मिलता है दैट इज थ्री सी एच ठीक है एज मेजर प्रोडक्ट तो आपको बताना है कि ये ऑलिफिन कौन सा होगा तो डेफिनेटली होगा बिट टू इन क्योंकि बिट टू इन जो है कैसे होता है इट इज़ जस्ट लाइक दिस सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड उसके बाद फिर से सी एच सी एच थ्री ये है ब्यूटू देखो जब आप क्या करेंगे इसको ओजोनोलिसिस तो मैंने बताया है डबल बॉन्ड को क्या करना है ब्रेक करना है इसको भी ऑक्सीजन देंगे और इसको भी ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ और ये भी बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ दट इज यूर इथेनल ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा फिफ्टी एट पर आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है ना प्लस आई इफेक्ट आपको एक्चुअली बताना है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर तो डेफिनेटली ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया मिथाइल है ठीक है इथाइल है और ये प्रोपाइल है तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है अब देखो होमोलिटिक होमोलिटिकफिशनसी क्या बनता है देखो ये अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ कि इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वहाँ पर क्या बनेंगे वहाँ पर बनेंगे फ्री रेडिकल्स तो ये इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा हाउ मनी सिगमेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें दो बॉन्ड और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड दो दो चार फोर पाई बाउंड इसके अंदर होंगे अब देखो यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पाई बाउंड आपको चार दिए गए हैं तो इसका करेक्ट होगा ए सिग्मा इसमें पांच होंगे वो आप आ, काउंट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर मास आपको दिया गया है एम्पेरिकल फार्मूला इज सी एच टू ओ और मोलिकुलर मास है वन एटी तो जब आप निकालेंगे इनका मास ग्लूकोज का ही 180 होता है ये तो हर एक को याद होना चाहिए सी सिक्स एच टूवल्ल ओ सिक्स आप निकाल भी सकते हैं ना मोलिकुलर फार्मूला जो है दैट्स इक्वल टू एन इन टू एम्पेरिकल फार्मूला तो एन का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं यह हमने सीखा है वन शॉट वीडियो में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच आर द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसी में होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ठीक है आप सिंपली निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखो एटीन ग्राम वाटर दैट मीन्स वन मोल है ना ठीक है सिक्सटीन ग्राम O2 टू दैट मीन्स पॉइंट फाइव ठीक है फोर पॉइंट फोर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये तो और बहुत ही कम मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे ठीक है जीरो पॉइंट फाइव से भी कम सिक्सटीन ग्राम ऑफ मीथेन ये भी है वन मोल तो यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी वन मोल है किसका वाटर का और मीथेन का भी वन मोल है अब एटम्स किसने ज़्यादा होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स। देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ तीन ही एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर एच टू ओ है ना हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक मीथेन में कितने हैं फाइव एटम्स है सी एच तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा दैट विल बी डी है ना डी को आप लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे आप निकाल भी सकते हैं ठीक है विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वाटम नंबर्स इज आर परमिटेड देखो कौन सा क्वांटम नंबर जो है यहाँ पे दिए गए हैं क्वाटम नंबर है, है ना सभी आपको बताना है विच इज़ परमिसिबल विच इज़ परमिटेड विच इज़ करेक्ट ठीक है देखो एन थ्री है एल बी थ्री ये तो नहीं है ठीक है एन थ्री एल वन पर एम है माइनस टू ये कैसे पॉसिबल हो सकता है नहीं एन थ्री एल वन एम माइनस टू नहीं पॉसिबल है डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देखो एन थ्री है एल जीरो एम बी जीरो हो सकता है स्पिन कैन बी प्लस ऑफ और माइनस ऑफ करेक्ट यही है इसका ठीक है अब देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हर एक को आना चाहिए देखो थ्री पी है रेडियल नोड्स आप कैसे निकालते हैं एन माइनस एल माइनस वन है, है ना और स्फेरिकल नोड्स जिनको आप एंगुलर नोड्स कहते हैं ना नोडल प्लान वो एल से निकाला जाता है तो एन यहाँ पर थ्री है थ्री माइनस पी के लिए एल एल का वैल्यू वन होता है थ्री माइनस वन माइनस वन दैट वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा रेडियल नोड भी इसमें वन और एंगुलर नोड तो है ही वन क्योंकि पी है थ्री पी पी ऑर्बिटल है पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है हमेशा राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन एन ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो क्यों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट हो सकते हैं किस ऑर्बिटल के अंदर जिसका एन वैल्यू टू होगा एन वैल्यू टू और एल वैल्यू वन देखो एन टू दैट मीन्स टू एल वन दैट पी टू पी तो आप क्या करते हैं आप कहते हैं कि पी में छः इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम तो आप छः को यहाँ पे टिक देते हैं पर इसका करेक्ट होगा बी ये कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप एकॉमोडेट कर सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर टू पी ऑर्बिटल के अंदर न कि सबशल के अंदर सबशल में आप छः एकडेट कर सकते हैं ये पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है ठीक है ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है ठीक है हर एक को याद होना चाहिए सिक्सटी फाइव था ये ठीक है उसके बाद जो है दैट्स योर सिक्सटी सिक्स है आपके पास द आयोनिक रेडिया ऑफ देखो यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रेडिया देखो जिस पे जितनी नेगेटिव चार्ज होगी उसका साइज़ आयोनिक साइज़ जो है ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन पे ट्रेवलेंट नेगेटिव है उसके बाद ऑक्सीजन डेवलेंट नेगेटिव है ना कैटायन का तो साइज स्मॉल होता है तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका अब देखो आई पी आपको बताना एक एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर वन होगा वन उसके बाद टू जीरो दैट मीन्स अनबाइनी नीलियम बी इसका करेक्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज देखो, कैटायन का साइज स्मॉल होता है तो वहाँ पे बचा मैग्नीशियम और अल्मोनियम तो मैग्नीशियम अल्मोनियम ठीक है वैन यू जस्ट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है एटोमिक साइज जो है डिक्रीज होता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लार्जेस्ट साइज दैट इज ए सिक्सटी एट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए नेक्स्ट इज सिक्सटी नाइन दैट इज साइड वे ओअर ऑफ पी पी ऑर्बिटल फॉर्म्स देखो पी पी ऑर्बिटल्स जब साइड वे वैप करेंगे तो पाई बॉन्ड ही बनेगा है ना पाई बॉन्ड यहाँ पे बी ऑप्शन है आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल मोलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट देखो एग्जिस्ट कौन नहीं होता है एच ई टू मॉलीक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं होता है बी ई टू भी एग्जिस्ट नहीं होता है तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल्स वाटर अमोनिया मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर कॉबन डाईआक्साइड है तो देख लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यू ऑलरेडी नो इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है लीनियर शेप तो 180 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल यहाँ पे ही होगा ठीक है तो आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ठीक है सबसे ज्यादा तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो यहाँ पे इसका कम दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया हो तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा 71 का इंपॉर्टेंट रहेगा आप देखो बाकी भी आप चेक कर सकते हैं जैसे मीथेन है मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है दैट्स 109 डिग्री 5 मिनट्स है ना उसके बाद अमोनिया जो है इसमें वन डिग्री होता है ठीक है डिक्रीज़ uh, होता है बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ वन लॉन पेयर उसके बाद वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं तो बिकॉज ऑफ लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज़ होता है वन डिग्री फाइव मिनट्स ठीक है ना तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद मीथेन देन अमोनिया देन वाटर ये रहेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इन आइसोकोरिक प्रोसेस वट इज़ कॉन्स्टेंट देखो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है इसके अंदर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आपका होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल अगर है तो उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है ठीक है आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो वहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है एडायाबिटिक होगा तो वहाँ पे हीट जो है कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है तो so नेक्स्ट जो है दैट इज सेवेंटी थ्री दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज़ डिटरमाइंड बाय देखो इंटरनल एनर्जी को कैसे एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करते हैं तो ये आपने पढ़ा है क्लास में बॉम कैलरी से ठीक है तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है एलोट्रोपिक फॉर्म तो वो है आपका ग्रीफाइट देखो ये हर एक को याद होना चाहिए धीरे खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है ग्रीफाइट में क्योंकि ग्रीफाइड जो है ये थर्मोडायन मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है इसको आप याद रखेंगे बट ये जो प्रोसेस है इट इज वेरी स्लो टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स पर ऐसा होता है ठीक है ना तो इसको आप याद रखेंगे स्पॉन्टेन

जब आप क्या चेंज करेंगे जब इसमें आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे देखो कटालिस्ट से रेट ऑफ़ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज़ होते हैं ठीक है पॉजिटिव कैटलिस्ट से तो इस, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे ठीक है प्रेशर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप दैट एन जो है नंबर ऑफ गेशियस मूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ठीक है वो बराबर है यहाँ पे एन के बराबर दैट इज़ नंबर ऑफ गेशियस मूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो यहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल मूल्स हैं जब मूल्स चेंज नहीं होंगे तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता

कॉमन आयन इफेक्ट होता है ना कॉमन आय इफेक्ट आपने पढ़ा है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एन ए जो है इसकी सॉलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा तभी ये प्रिस्पिटेट होकर ज्यादा बाहर आ जाएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा सी होगा डिक्रीजेस है ना सेवेंटी एट जो है इसका सी होगा राइट उसके बाद सेवनटी नाइन वाटर देखो वाटर क्या होता है ये प्रोटान दे भी सकता है ठीक है हाइड्रोक्साइड आयन भी दे सकता है तो ये होगा आपका एम्फी प्रोटिक ठीक है वाटर जो आपका है ये प्रोटान दे भी सकता है ठीक है जैसे अगर यहाँ पे इसको हम आयोनाइज़ करेंगे तो ये देगा एच पॉजिटिव ठीक है अब अगर इसी वाटर को हम प्रोटॉन यहाँ से दे रहे हैं ठीक है एक तो ये प्रोटॉन दे रहा है एक्सेप्ट भी ये कर सकता है तब ये बन जाएगा हाइड्रोनियम हाइड्रोनिमान दैट इज एच ओ थ्री पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ इट इज योर एम्फी प्रोटिक सोलवेंट इंपॉर्टेंट रहेगा अब नेक्स्ट जो है दैट इज विच हैज सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड देखो फ्लोरीन जो आपका है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन हमेशा होती है पर इसकी एक्सेप्शन भी है वो मैंने वहाँ पे बताया है वन शॉट वीडियो में वहाँ से आप देख सकते हैं रेडॉक्स चैप्टर में राइट रेडॉक्स यूनिट जो है वहाँ पे मैंने बताया है पर यूजुअली जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो यही फ्लोरिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये हाईली एलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यूजली माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है ठीक है उसके बाद 81 है क्वेश्चन नंबर 81 वन दैट इज बैलिस्टिन टेस्ट इज यूजड फॉर देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इट इज़ एक्चुअली यूजड फॉर हैलोजेंस इसको हम कहते हैं कॉपर वायर टेस्ट भी है ना आप लिख सकते हैं यहाँ पे दैट दिस इज आल्सो नोन एज कॉपर वायर टेस्ट ठीक है तो ये हम हेलोजन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा बैलेस्टीन टेस्ट ठीक है कॉपर वायर टेस्ट उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज लेसिग्नी सोलूशन गिव्स वायलट कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो ये इससे क्या पता चलता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ देखो ये सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है टेस्ट ठीक है इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप नोट no डाउन करेंगे स्टार लगाएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट इज 83 थ्री दट इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इट्स आल्सो नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो बी इसका करेक्ट होगा ठीक है पार्टीशन नेक्स्ट इज एटी फोर दैट इज ब्रोमो इथेन ऑन ट्रीटमेंट विद देखो ये हमने पढ़ा है डिटेल में वन शॉट वीडियो में अगर ये आपके पास है ब्रोमो इथेन और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये कैसा है अल्कोहलिक अल्कोहलिक यहाँ पे मतलब अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है तो एलिमिनेशन होगा यहाँ पे डेफिनेटली आपका बनेगा अल्किन दैट इज यूर इथीन तो यहाँ पे इथाइलिन दिया गया है डी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ देखो ब्यूटैन का सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर जो होता है वो आपका होगा एंटी दैट इज़ योर बी ठीक है तो ये आपका 85 रहेगा ठीक है ये ब्यूटैन की हम बात करें सिमिलरली अगर आपके पास होगा ईथेन है ना ईथेन में एक होता है आपका स्टैगर्ड और इक्लिप्सेड तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ठीक है उसको आप याद रखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इज यूर 86 है ना दैट इज़ द नंबर ऑफ चैन आइसोमर्स ऑफ पेंटैन देखो पेंटैन जो है इसके तीन चैन आइसोमर्स हैं वन जो है दैट एन पेंटेन उसके बाद आइसो पेंटैन एंड न्यू पेंटे ऑलरेडी आपने पढ़ा है ईजी है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉस देखो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो किस आइसोटोप में है दैट इज द ड्यूटोरियम बिकॉज ड्यूटोरियम जो है दैट्स वन एज टू इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है प्रोटान यहाँ पे वन है ठीक है और न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ ए माइनस जैद टू माइनस वन दैट आल्सो वन तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट इज एटी एट दैट द फॉलोइंग कार्बेनियन इज लीस्ट स्टेबल देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अदरवाइज ये गलत होता है बहुत सारे बच्चों को तो आप यहाँ पे याद रखेंगे आपको पूछा गया है कार्बेनियन जो लीस्ट स्टेबल है ठीक है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा दैट इज दिस वन ये है सी एच थ्री ठीक है ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और इसके साथ ये तीन मिथाइल एक्चुअली है है ना टर्शी ब्यूटाइल है ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनियन ठीक है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अब देखो ये जो मिथाइल ग्रुप्स है कैसे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे तो ये तो इसको और अनस्टेबल बना रहे हैं तो आपको बताना है लीस्ट स्टेबल तो वो तो यही होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा गया दैट इस द मिथाइल कार्बेनियन अब अगर पूछा जाता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होती लेट्स से पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कार्बोकेटायन बन गया तो कार्बोकेटायन ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये मोस्ट स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन क्योंकि यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं मिथाइल ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से और प्लस एच इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं ठीक है तो इसको आप नो डाउन करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कार्बेनियन पे या कार्बोकेटाइन पे नो डाउन करेंगे इसको नेक्स्ट जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलो

तो ये आपका था 89 उसके बाद जो है दैट्स द 90 90 जो है दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो हर एक को आना चाहिए हमने सीखा है वन शॉट वीडियो में प्लस सिक्स आ जाएगा है ना ये आप निकाल सकते हैं हमने ऑलरेडी ये सीखा है नेक्स्ट जो है नाइन्टी वन दैट इज द बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूज एस पी टू हाइब्राइजेशन देखो एस पी टू में हर एक को पता होना चाहिए दैट इज़ इसमें बॉन्ड एंगल वन ट्वेंटी डिग्री होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा है ना एस पी टू हाइब्राइजेशन देखो एस पी में कितना होता है एस पी में वन एटी डिग्री होता है और एस पी थ्री में कितना होता है टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज़ वन हंड्रेड नाइन डिग्री एंड फाइव मिनट्स ठीक है हर एक को याद होना चाहिए तो याद रखेंगे इसको नाइन्टी टू जो है दैट इज द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ़ वाटर सिस्टम इज़ देखो लीस्ट रैंडम स्टेट मतलब जहाँ पे एंट्रॉपी सबसे कम होगी तो वो तो आई सी है ना बाकी जब ये लिक्विड होगा स्टीम या हाँ वेपराइज फॉर्म तब एंट्रॉपी ज़्यादा होगी रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो आइस जब ये होगा वाटर आपका आइस उस वक्त ये लीस्ट रैंडम स्टेट होगा मतलब इसकी एंट्रॉपी सबसे कम होगी है ना आपने याद रखा होगा सॉलिड की एंट्रापी सबसे आ, कम होती है ठीक है उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गेस जो है इसकी एंड्रापी सबसे ज़्यादा होती है नोट डाउन करेंगे इसको नेक्स्ट जो है दैट इज इफ़ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोलूशन देखो अगर आपके पास लिक्विड ए है और बी है इनको आप मिक्स uh, कर रहे हैं और वहाँ पर बन रहा है आइडियल सोलूशन है ना आइडियल सोलूशन आइडियल सोलूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो रूल्ड्स ला को फॉलो करता है तब आपको बताना है कि एनट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग क्या ज़ीरो होगा फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होगा या फ्री एनर्जी एज वेल एज द एनट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो या एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन एंथेल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट इज़ एक्चुअली डेल एच मिक्सिंग ये यहाँ पे जीरो होता है जब आपके पास आइडियल सोलूशन होगा तो आइडियल सोलूशन के लिए आप याद रखेंगे डेल एच मिक्सिंग इज़ जीरो एंड डेल वी मिक्सिंग दैट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिकसिंग इट्स आल्सो जीरो ये दो कंडीशंस होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसको आप आ, याद रखेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है दैट इज यूर क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर नाइन्टी फोर जो है दैट इज द पी एच ऑफ ए सोलूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फोर द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज देखो पी एच अगर आपके पास दिया गया है फोर यू ऑलरेडी नो दैट पी एच किसके बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ठीक है तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोलरिटी कितनी होगी देखो अगर पी एच फोर है पी एच का फोर आ सकता है जब इस एच पॉजिटिव आयन की मोलर कंसनट्रेशन जो है वो होगी टेन टू द पावर माइनस फोर तो ये है टेन टू द पावर माइनस फोर जब होगा तब पी एच आ जाएगा फोर जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी टेन टू द पावर माइनस फोर देन पी एच विल कम आउट टू बी फोर तो इसका मतलब ये है दैट मूलरिटी जो है दैट इज टेन टू द पावर माइनस फोर तो टेन टू द पावर माइनस फोर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इस वन अपॉन टेन टू द पावर फोर तो वो आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 वन तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है अब देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन देखो हर एक को पता होना चाहिए उनको चालकोजन्स हम कहते हैं ग्रुप सेवनटीन जो है उनको हेलोजन कहा जाता है ठीक है ग्रुप एटीन जो है उनको नोबल गेसेज हम कहते हैं एरोजन्स भी हम कहते हैं उनको अर्लियर उनको एनर्गेज भी कहा जाता था ठीक है तो इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है ठीक है और उसके बाद ग्रुप फिफ्टीन जो आपका है उसको भी आप याद रखेंगे यहाँ पे ग्रुप फिफ्टीन को कहा जाता है निकोजन्स ठीक है निकोजन्स तो इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट जो है दैट्स नाइन्टी सिक्स विच आर द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू द अल्काइन सीरीज देखो अल्काइन्स की जो फार्मूला होती है दैट सी एन एच टू एन माइनस टू ये हर एक को याद होना चाहिए तो देख लो यहाँ पे सी सेवन एच फोर्टीन ये तो नहीं हो सकता है टेन ट्वेंटी टू नाइन सिक्सटीन ये इसका होगा अलकाइन ठीक है ये आपका अल्काइन है क्योंकि एन यहाँ पे नाइन है सो नाइन टू जर एटीन माइनस टू दैट सिक्सटीन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइनटी सेवन जो है दैट इज हाइपर कंजुकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन तो ये आपका होगा टर्शि ब्यूटाइल देखो टर्शाइल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है जैसे अभी आपने देखा था जब कार्बेनियन हमने देखा था तो ये है आपका टर्शरी ब्यूटायल कार्बोकेटाइन ठीक है तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टेबलाइज होगा ड्यू टू तो, हाइपर हाँ, कंजुकेशन दैट इज़ द एच इफेक्ट बताओ कैसे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है देखो यहाँ पे तीन और तीन छः और तीन नाइन नाइन अल्फ़ा हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइपर कंजुकेटिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा बाकी अगर आप देखेंगे ए सी और डी ऑप्शन वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट दैट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड इट इज डिटर्माइनेड बासी भी वोलाटाइल कंपाउंड का मोलिकुलर मास हम कैसे डिटर्माइन करेंगे बाय जलदल्स मैथड नहीं इससे तो नहीं कर सकते हैं ना डुमा मैथड इसे तो एस्टिमेट किया जाता है नाइट्रोजन को जलदल्स मैथड एंड डुमाज मैथड दे आर यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन ठीक है उसके बाद लिबिक्स मैथड इसको भी यूज़ नहीं हम करते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द विक्टर मेयर टेस्ट ठीक है इसको आप याद रखेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स देखो न्यूक्लियॉन उनको कहा जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है ठीक है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो इसका जो करेक्ट होगा ई ऑप्शन रहेगा उसके बाद नेक्स्ट इज़ द लास्ट हंड्रेड लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय देखो यहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं आप जल्दी से लिखते हैं रॉबर्ट ब्राउन वो तो एक्चुअली सेल का न्यूक्लियस है ये तो है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इसको रदर ने डिस्कवर किया बाय रदर फूड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा तो इसके साथ हमने हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम डिस्कस किए तो इसी से आपके जो सेक्शन ए के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे विशू ऑल द वेरी बेस्ट हैव एन नाइस डे हैड